हेलो फैमिली, दिस इज जैस एंड यू आर वाचिंग जैस टेक। दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं मिली के टीजर के बारे में। जाह्नवी कपूर लीड में है, जो निभाएगी मिली का किरदार, जो कि एक स्टोरेज फ्रीजर में लॉक हो गई है। बचने के चांसेस ना के बराबर है। बाहर मिली की खोज चल रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, मौत नजदीक आती दिखाई दे रही है। फाइनली क्या होने वाला है, ये हमको देखना है मूवी के अंदर। तो एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है मिली। टीजर का एडिट अच्छा है, बीजीएम अच्छा है, थ्रिल फील हो रही है। जाह्नवी कपूर का काम भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपने 2019 की सुपर क्लास मलयालम फिल्म हेलन देखी हुई है तो आपके ओपिनियन बदल सकते हैं। तो हेलन की हिंदी रीमेक है मिली। सेम डायरेक्टर है, लेकिन हेलन मूवी का फैन बेस अलग लेवल का है, क्योंकि उस मूवी का कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस, स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन, बीजीएम, ये सब लोगों ने देखा हुआ है, फील किया हुआ है। उस मूवी को देख के लोग डरे भी है और रोए भी है। तो कहना ये चाहता हूं कि उस मूवी के एक्टर्स ने जो काम किया था, उन लोगों ने जो बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं, इस मूवी के एक्टर्स को वो तोड़ने जरूरी है, जो कि बहुत मुश्किल है। एंड आई होप कि कहानी के अंदर भी कुछ नए ट्विस्ट हो, नहीं तो हेलन के जो फैंस हैं उनके पास मिली को देखने की कोई वजह नहीं बचेगी। सनी कौशल और मनोज पावा भी है मूवी के अंदर, तो कास्ट तो अच्छी है। 4 नवंबर को आने वाली है ये मूवी। फिलहाल तो ट्रेलर का इंतजार है, बाकी बातें करेंगे ट्रेलर देखने के बाद। अब बात करते हैं डबल एक्सएल के ट्रेलर की। क्या है दुनिया आजकल चुपा एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मोटापा एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो कुछ की जगह पर सही है, कुछ कुछ जगह पर सही नहीं है, इसकी बात आगे करते हैं। ट्रेलर के अंदर वैसे पूरी कहानी ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है। दो लड़कियां हैं जिनके सपने बहुत ही बड़े हैं। एक स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहती है और दूसरी फैशन की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन दोनों के अपने साइज डबल एक्सएल है, इसलिए अपने समाज और दुनिया की तरफ से उनको ताने सुनने पड़ रहे हैं। लोग उन्हें जैसे वो लोग है वैसे के वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो दोनों साथ मिलकर दुनिया को उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करती है, टीम बनाती है, और फिर क्या करती है ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑनेस्टली कहूं, मुझे ट्रेलर ओके लगा। मतलब वाह, क्या बात कर दी है यार, ऐसा कुछ नहीं था ट्रेलर के अंदर। और एक बात बताऊं, मैंने ऐसी बहुत सारी लेडीज देखी है जो जिनका साइज डबल एक्सल छोड़ो ट्रिपल एक्सल है, लेकिन वो लोग अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। अब देखो यार, इसका एक और एंगल ये भी है जो देखना जरूरी है, कि अगर आप किसी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हो जहां पर साइज मैटर करता है, तो मैटर करता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा। वहां पर आप ये झंडा नहीं उठा सकते कि दुनिया मुझे साइज की वजह से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है। सारे फील्ड्स की बात नहीं है, लेकिन जहां पर बॉडी की साइज मैटर करती है वहां पर मैटर करती है। दूसरा एक सवाल, अगर कोई लड़का लड़की देखने गया है अपनी शादी के लिए और वो लड़का लड़की की साइज की वजह से मना कर दे शादी के लिए, तो क्या वो लड़का गलत है? उसने बहुत गलत कर दिया। ये सब बातें इसलिए क्योंकि ये जो मुद्दा है वो कुछ कुछ जगह पर सही है, लेकिन सब जगह पर सही है और सब लोग ऐसा करते हैं ऐसा भी नहीं है। देखो, अब कुछ कुछ जगह पर तो ऐसे लोग रहेंगे जो सामने वाले की साइज को देखकर अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये मूवी एक बड़ा तमाचा मारेगी। अगर इस मूवी के अंदर जेन्युइनली बात की गई है, इसके जो किरदार है वो सच में जेन्युइनली इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज अगर जबरदस्ती इस पॉइंट को साबित करने की कोशिश की जाएगी तो फिर लोचा हो सकता है। सोनाक्षी सिन्हा से ज्यादा मुझे हुमा कुरैशी का परफॉर्मेंस नेचुरल लगा, खास करके लास्ट वाला जोक तो थोड़ा ज्यादा हो गया यार। ट्रेलर के शुरुआत में शिखर भाई को देखकर मजा आ गया था। ये मूवी भी आने वाली है 4 नवंबर को, बाकी बातें करते हैं मूवी देखने के बाद। वैसे आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर जरूर से शेयर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।